अक्षत, मैं नहीं मानती कि तुम लोग ऐसा कर सकते हो, वो भी मिलावट जैसा काम जिसमें लोगों की जान खतरे में हो सकती है। आई डोंट बिलीव दिस। मैं जानता हूँ ये किसने करवाया है। किसने? सुजल। ये क्या कह रहे हो तुम अक्षत? चौंका था। आई नो इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मैं भी ऐसे ही चौंका था, मगर ये सच है चार, सुजल ने ये सब करवाया है। I'm sure तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सुजल जी जो ऐसा नहीं कर सकते। मैं भी यही सोचता था कि सुजल ऐसा नहीं कर सकता, मगर उसने ऐसा किया है चारू। उसने वो वाइन कॉन्ट्रैक्ट हारने का पूरा बदला हमसे लिया है। मुझे भी विश्वास नहीं होता अगर मैंने सुजल को वाइन कंसाइनमेंट फेवर के लिए इंस्पेक्टर के साथ बात करते हुए सुना नहीं होता। और अगर सुजल ये समझता है कि हम उसकी इस हरकत का जवाब नहीं देंगे तो वो गलत समझता है। हम दोनों की दोस्ती का वो आखिरी पहलू भी टूट चुका है चारू। अब सुजल मेरा दोस्त नहीं रहा। अक्षत, बुराई का जवाब तुम बुराई से देकर और गलत करोगे। सही और गलत की अब मुझे परवाह नहीं है चारू। बीना, बीना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। जानती हूं मैं अब क्या बताना चाहते हो मुझे। रीवा का फोन आया था मुझे। रीवा का फोन? उसने सब कुछ बताया है मुझे। क्या बताया है उसने? यही कि आपने स्वयं और अक्षत की बेल करवा दी। वो खुश नहीं है इस बात से। हाँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। हम में से किसी एक को तो ये पहल करनी चाहिए थी ना, वरना इन दो परिवारों में जो दूरियां हैं वो ऐसे ही रहती। उस दिन अक्षत की पार्टी में मैंने रीवा से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं ठीक तरह से उससे बात नहीं कर पाई। लेकिन आपने अपनी तरह से इस संबंध को सुधारने की पूरी कोशिश की है और मैं बहुत खुश हूं आपसे। अब भले ही रीवा को ये सब पसंद ना आए, लेकिन हमारी तरफ से ये जो कदम उठाया है उससे फर्क जरूर पड़ेगा, है ना? क्या कहना चाहते थे तुम भाभी से? सब कुछ। आज मैं बीना को सब कुछ बता देना चाहता हूं। किस बारे में? अपने और रीवा के पास के बारे में। आज मैं बीना को सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। तुम खुद बताओगे भाभी को? सीजी ऐसी गलती कभी नहीं करना। तुम जानते हो इसका क्या असर होगा। अब मुझे उसकी परवाह नहीं। सह सकता हूं, सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं, मगर ये रोज रोज की टेंशन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ललित। आई जस्ट कांट बेयर इट। जबकि मैं जानता हूं इस सिचुएशन का जिम्मेदार मैं हूं, सिर्फ मैं। सारी गलती मेरी है। सीजी, तुम्हारा यह कन्फेशन तुम्हारी मैरिड लाइफ को बर्बाद कर सकता है। Do you understand that? तो क्या करूं, क्या करूं? अपने परिवार को यूं बिखरने दूं? मैं अपने परिवार को बिखरते हुए नहीं देख सकता ललित। I just can't see them। प्यार करता हूं,
बहुत प्यार करता हूं मैं अपने परिवार से, सिर्फ इतना ही चाहा था कि मेरे चार बेटों में कभी किसी तरह की दुश्मनी ना हो। भाइयों की तरह नहीं रह सकते तो ना सही, मगर कम से कम सीजी ये कभी होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, सिर्फ वक्त बताएगा और उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। मैंने जिंदगी में कभी सच का साथ नहीं छोड़ा कशिश, फिर चाहे सच कैसा भी रहा, किसी को बुरा लगे, कड़वा हो, कैसा भी, मैं कभी सच कहने से नहीं झिझका। तुमसे प्यार किया, सबके सामने कहा, तुम्हारी और पीयूष की शादी के बाद भी तुम्हें पाना चाहा, तब भी तुम्हारे मुंह पर कहा, पीयूष की 13वीं पर तुम्हारा हाथ मांगा तो सबके सामने मांगा। अगर मुझे प्यार जताना नहीं आता तो सच को छुपाना भी नहीं आता। जानती हूं मैं, जानती हूं कशिश, सच के साथ मैं रिश्ता कब से जुड़ा, बचपन से, मेरी मामा की वजह से। अगर उन्होंने मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया तो बचपन से ही सच का हाथ मेरे हाथों में थमा दिया। मुझे सच्चा बनाया मेरी मामा ने और आज यही सुजल उन्हीं से एक सच छुपाया, एक ऐसा सच जो उन्हीं की जिंदगी से जुड़ा। आज जिंदगी में पहली बार मुझे डर लग रहा है कशिश, जब मामा को सब कुछ मालूम पड़ेगा तो आज मैं जो कुछ भी हूं अपनी मामा की वजह से। कहते हैं कि एक इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ एक जन्म लेता है, लेकिन मेरी मामा ने मुझे कई जन्म दिए। ऐसे कितने मकाम जिंदगी में आए, जब सुजल मर गया, जब तुम्हें खोया तब भी, जब पीयूष नहीं रहा तब भी, हर बार मेरी मौत हुई लेकिन हर बार ही मेरी मामा ने मुझे एक नया जन्म दिया, मेरी ताकत बनी। छुप छुप कर भगवान से वो मेरे लिए प्रार्थना करती है, लेकिन मैं जब भी रोया तो उनकी गोद में जाकर रोया। मेरे लिए मेरी पूजा, मेरी, मेरा भगवान वही। उन्होंने हमेशा मुझे संभाला, पर आज मैं चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। काश उन्होंने मुझे सच को बदलना भी सिखाया होता तो मैं बदल देता इस सच को कि मेरी मम्मा के साथ मेरे पापा ने, बदल डालता इस सच कि वो अपनी सारी जिंदगी आज तक धोखे में जीती आई है, बदल देता हर उस सच को जो मेरी मम्मा की जिंदगी के साथ खेल रहा है। मैं पागल और हूं कश, मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं।
बस किए जा रहा, घुटन हो रही है अंदर ये सोच सोच कर कि क्या बीतेगी मेरी मम्मा पर जब उनका सामना सच के साथ होगा। जो औरत अपने पति के ऊपर आने वाली हर मुसीबत के सामने हमेशा दीवार बनकर खड़ी रही, उसे जब सब कुछ मालूम पड़ेगा तो वो दीवार तो रेत के ढेर की तरह बिखर जाएगी, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा उनका, कोई खुशी नहीं रहेगी उनके पास, सब कुछ गवा देंगे वो कुछ ही पलों में। बरसों से कमाए हुए रिश्ते को खोकर नहीं जी पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये राज हमेशा राज रहेगा। सुजल, अब ये हमारी जिम्मेदारी, इस राज को राज रख देंगे। पर बहुत डर लग रहा है मुझे कशिश, बहुत डर लग रहा है। सुजल, मामा हमेशा तुम्हारी ताकत रही है, तुम्हें मजबूत बनना होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, हम कुछ नहीं होते देंगे। आप लोग बैठिए, मैं सर को बुला के लेता हूँ। ओके। भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए था। चल अक्षत, डालमिया और हम अब पार्टनर्स हैं और हमें इस फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी जो सिचुएशन थी ना उसके ऊपर डालमिया खुद हमसे मिलने के लिए ईगर होगा, एंड आई एम टेलिंग यू। ओ हाय, हाउ आर यू मिस्टर डालमिया? हमने एक ऑफिशियल लेटर आपको भेजा था, इट सीम्स यू हैव नॉट रिसीव्ड इट। आई थिंक ऑफिस पहुंच गया होगा, हम दोनों सीधे आपके ऑफिस आ गए। एक्चुअली वी वांटेड टू डिस्कस सम पॉइंट अबाउट। किस बारे में? नेक्स्ट डिलीवरी के बारे में, उसकी एडवांस पेमेंट। इसके बारे में बात करने की अब कोई जरूरत ही नहीं है मिस्टर शेरगिल। मतलब यू आर नॉट वर्किंग ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट एनीमोर मिस्टर शेरगिल। व्हाट, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? वी हैव साइन द कॉन्ट्रैक्ट। आप कैसे कह सकते हैं कि हम आपके साथ काम नहीं करेंगे? वो कॉन्ट्रैक्ट आपके इलीगल एक्ट के कारण पहले ही खत्म हो चुका है। कम ऑन मिस्टर डालमिया, आप तो जानते हैं कि हम पे झूठा इल्जाम लगा था, एंड वी आर इनोसेंट। अगर कोई और हमको फ्रेम करके हम पे झूठा इल्जाम लगाए, हम उसके लिए क्यों भुगते? वी आर ऑन, वी आर वर्किंग ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट, राइट? आई एम सॉरी, हम आपके साथ काम करके अपनी रेपुटेशन खराब नहीं कर सकते हैं। और हमारी रेपुटेशन? वो तो आपने खुद बर्बाद की है। मिस्टर डालमिया, ये कॉन्ट्रैक्ट तो मैं ही पूरा करूंगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मिस्टर शेरगिल, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा होगा और इसे पूरा करेंगे मिस्टर सुजल गरेवाल। जी हाँ, वही सुजल गरेवाल जो इसके पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमेशा पूरा करते आए हैं। And gentlemen, I don't think there is anything more left to be talked about now. Mr. Dalmia, ये आपने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। चलो भाई। अब वो सुजल मुझसे नहीं बच सकता अक्षत। उसे मेरे बीच में आने की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। लड़कियों का फोन नंबर रख कर कैसे भूल सकता है तू ऋषि? क्या हो गया है तुझे? ये घर के चक्कर में उलझ कर रह गया है तू? अरे इन सबसे ब्रेक ले और जाकर टेक दे। अपनी पुरानी स्टाइल पर आजा ऋषि, कॉल अ मैन।
Hey babe. Excuse me. Call me Rishi. Okay Rishi. You are. Your admirer. बहुत से. तुम उनमें से कौन से? The coolest one. Oh, तो तुम हो. तो क्या cool है हम guy, right? Correct. So. So. When do you go out on a date? किस लिए? Don't worry. पहली डेट पर मैं अपना असली चेहरा नहीं दिखा था। और तुम्हारा असली चेहरा क्या है? बिल्कुल एक तूफान की तरह। जब आता है ना, तो अपने साथ सब कुछ ले जाता है। But you don't worry. पहले हमें मिलने तो दो। ओह, तो काफी लंबी प्लानिंग है तुम्हारी। लगता है ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की को डेट पर बुला रहे हो। All right then. We'll meet at Simpson's. In an hour. Simpson's Wana. Bye. हाँ मामा, वो कॉन्ट्रैक्ट अब सुजल को मिल गया है। उसने हमें धोखा देकर वो कॉन्ट्रैक्ट हमसे छीन लिया। What? I hope you understand now. स्वयंवर मैं तुम्हें से दूर रहने के लिए क्यों कह रहे थे? आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। जिसे मैं अपना दोस्त मानता रहा, वो मेरे दोस्ती के काबिल ही नहीं था। पता नहीं स्वयं पे क्या गुजर रही होगी, कहाँ है वो? मामा भाई तो मेरे साथ ही थे, मगर किसी काम की वजह से उन्हें कहीं जाना था। अक्षत बेटा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, तू तो अपने भाई को जानता है ना, कितना हाइपर हो जाता है वो, अपने आप ही में नहीं रहता। मामा भाई ने तो कुछ बताया नहीं, आखिर वो गए कहाँ होंगे? Extremely sorry, Mr. Shergill. And let me tell you one thing. ये contract तो पूरा होगा और इसे पूरा करेंगे Mr. सुजल गरेवाल। जी हाँ, वही सुजल गरेवाल जो इसके पहले हमारा contract हमेशा पूरा करते आए हैं। क्या क्या छीनोगे तुम मुझसे? पहले मेरा बाप, मेरा बचपन, मेरी मां का हंसता हुआ चेहरा, मेरी खुशियां, लेकिन अब मेरी बारी है सुजल। कुछ नहीं रहने दूंगा मैं तुम्हारे पास, एक एक करके सब कुछ छीन लूंगा मैं तुमसे। तुमने जो मेरे साथ किया है, तुम ये मत समझना कि मैं उसका बदला नहीं लूंगा तुमसे। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।